डीजी मैडम ने कहा कि प्रमुख सचिव सर का फोन आया था, कई मुद्दों पे उन्होंने सहमति दी है और जिन जिन मुद्दों पे उन्होंने सहमति दी है हम उसका प्रस्ताव बनाकर एक हफ्ता के अंदर शासन में भेज देंगे। हमने कहा मैडम 11 जो बिंदु हैं सारे मुद्दों पे प्रमुख सचिव सर से वार्ता हुई है, तो सारे मुद्दों पे जो इसमें हमारा प्रमुख मुद्दा नियमितीकरण था। सकारात्मक वार्ता हुई और 9 अगस्त को कार्यवृत्ति जारी हुई थी, मिनट्स जारी हुए थे और उस मिनट्स में सारी जो कार्रवाई है वो डीजी मैडम को, उसी को लेकर हम लोग पिछले कई दिनों से प्रयासरत थे कि डीजी मैडम से मुलाकात कर लिया जाए और इसके लिए हम लोग 16 अगस्त को भी परियोजना पहुंचे थे लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। फिर हम लोग 22 अगस्त को भी पहुंचे थे, मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि उस दिन 69,000 वालों का धरना चल रहा था। फिर हम लोग कल भी यानी 27 अगस्त को भी पहुंचे लेकिन कल भी भारत सरकार की कोई मीटिंग थी जिसमें मैडम चली गई, इसीलिए मुलाकात नहीं हो पाई। और हमने इस बार जब हम लखनऊ पहुंचे तो इस बार प्रण कर चुके थे कि इस बार जब तक डीजी मैडम से मुलाकात नहीं होगी तब तक हम वापस गोरखपुर नहीं आ जाएंगे। और कल जब मुलाकात नहीं हुई तो हम वहीं रुक गए। हमारे साथ आदरणीय तारकेश्वर शाही जी, आदरणीय मनोज राय सर, इन सब लोगों के साथ हम गए थे और कल हम लोग लखनऊ में ही रुके और आज 10:30 बजे ही हम लोग परियोजना पहुंच गए, डीजी मैडम के कार्यालय पहुंच गए, अपना नंबर लगाया मुलाकात हेतु। 1 घंटे बाद करीब डीजी मैडम ने हम लोग को बुलाया और 15 से 20 मिनट की वार्ता हुई, अच्छी वार्ता हुई, सकारात्मक वार्ता हुई और जो प्रमुख सचिव सर से जो उस दिन वार्ता हुई थी उनकी एक एक बातों को अक्षरशः आज डीजी मैडम से चर्चा हुई। डीजी मैडम ने कहा कि प्रमुख सचिव सर का फोन आया था, कई मुद्दों पे उन्होंने सहमति दी है और जिन जिन मुद्दों पे उन्होंने सहमति दी है हम उसका प्रस्ताव बनाकर एक हफ्ता के अंदर शासन में भेज देंगे। हमने कहा मैडम 11 जो बिंदु हैं सारे मुद्दों पे डीजी प्रमुख सचिव सर से वार्ता हुई है, तो सारे मुद्दों पे जो इसमें हमारा प्रमुख मुद्दा नियमितीकरण था और नियमितीकरण जब तक ना हो तब तक 12 महीने का समान कार्य समान वेतन, ए लेकर 100 बच्चों की वाली समस्या, ऑटो रिन्यूअल, आयुष्मान, ईपीएफ सहित 11 सूत्री हमारे जो मांग पत्र थे, एक एक मांग पत्र पे मैडम से चर्चा हुई और उसमें सारी कार्रवाई मैडम को करना था। तो मैडम ने कहा कि एक हफ्ता के अंदर हम इस पे सारे एक बिंदुओं पे प्रस्ताव बनाकर शासन में भेज देंगे और आप लोग एक हफ्ता के बाद आके देख भी सकते हैं उसको और उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है, हम भी शासन में इसको भेज के हम भी प्रयास करेंगे कि काम आपका हो जाए और आप लोग भी शासन में प्रयास करेंगे काम हो जाए। 2-3 बिंदु पर तो मैडम उसी समय बोली है कि एक हफ्ता से के अंदर हम 10 दिन या जल्दी आदेश जारी कर देंगे, जिसमें एक ऑटो रिन्यूअल वाला है, स्वतः नवीनीकरण का जो मामला है क्योंकि डीजी प्रमुख सचिव सर ने जिस दिन हम लोग 7 अगस्त को मुलाकात किए थे उसी दिन मैडम को फोन करके कहा था कि आप इस पे देख लीजिए और इसका शासनादेश जारी कर दीजिए। दूसरा जो 14 CL वाली बात है इस पे भी प्रमुख सचिव सर ने डीजी मैडम को कहा था। तो ये दो जो दोनों मुद्दे थे इस पे तो मैडम ने कहा कि हम इसको जल्दी जो है इसका जो भी प्रक्रिया है चाहे शासनादेश जारी करना हो या ऊपर से हम एक बार फिर से बात कर लेंगे और इसको हम जल्दी जारी कर देंगे। जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय है अनुदेशकों का द्वितीय चरण का ट्रांसफर का, क्योंकि लगभग 3,000 लोग इसको लेकर परेशान हैं। तो उसमें एक समस्या ये आ गई है कि इस समय शिक्षकों की समायोजन की प्रक्रिया चल रही है और NIC का जो वेबसाइट है उसी पे प्रक्रिया चल रही है। तो मैडम ने कहा कि चूंकि एक समय में एक ही काम हो सकता है और जब ये समायोजन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तो फिर आपका द्वितीय चरण का जो ट्रांसफर है वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो कुल मिला जुलाकर अच्छी बात रही, एक हफ्ता का मैडम ने समय दिया है लेकिन हम एक हफ्ता नहीं, हम 10 दिन के बाद फिर मैडम से, चूंकि आज 28 तारीख है और 10 दिन के बाद लगभग मतलब 8 तारीख के बाद, 8 तारीख रविवार है, 7 तारीख शनिवार है, तो 7 और 8 को शनि रवि की छुट्टी है। तो हम प्रयास करेंगे 9-10 सितंबर को फिर लखनऊ जाकर
डीजी मैडम से मुलाकात करके हम फिर वो देखेंगे प्रक्रिया कहाँ तक हमारी पहुंची है, शासना जो प्रक्रिया है, जो प्रस्ताव बनाकर मैडम को भेजना है उसमें क्या प्रगति हुई है, वो फाइल वहाँ पहुंच गई है, प्रस्ताव बन के फाइल चली गई है, इन सारी बातों का हम 9-10 तारीख में फिर से जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। और हम लगातार, क्योंकि हमने एक अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है कि हम शासन प्रशासन, आपने देखा होगा पिछले दिनों जब माननीय मुख्यमंत्री जी का गोरखपुर का दौरा होता है, जनता दरबार लगाते हैं, उस जनता दरबार में भी हम लोग लगातार मिलने का प्रयास कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों भी गए थे लेकिन किसी कारणवश मुलाकात नहीं हो पाई। मैं 4 बजे सुबह वहां पहुंच गया था, लेकिन अब हम लोगों ने ठान लिया है कि इसकी जहां तक संभव हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो या जो